नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करते हैं पंजाब की खबरों से। पंजाब के अमृतसर में कांग्रेस पार्टी ने हर जिले में केंद्र सरकार की घातक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार की दोहरी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के दिशा निर्देशों पर केंद्र में सोई हुई मोदी सरकार को जगाने के लिए रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कहा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार को सभी सरकारी बैंकों को निजीकरण करना चाहिए और एयर इंडिया और रेलवे जैसी सरकारी कंपनियां प्राइवेट हाथों में सौंप दी है। हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए दुष्यंत चौटाला से हाथ मिलाया है। पंजाब के अमृतसर में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि यह हत्या किसी और ने नहीं, उसके पति ने कर दी। दरअसल एक पति ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर की पत्नी बलजीत कौर की दिन दिहाड़े घर में हत्या कर दी गई। इस मामले में आरोपी कोई और नहीं, मृतक महिला का पति सीआरपीएफ इंस्पेक्टर गुरमिंदर सिंह है। पुलिस के मुताबिक बलजीत कौर के कत्ल के बाद सीआईए पुलिस जांच कर रही है और गुरविंदर सिंह का एक महिला के साथ संबंध और डबवाली के बाबा को 5 लाख रुपए दिए, जिसको बलजीत कौर की हत्या का जिम्मा लिया था और कत्ल करने वाले युवक मृतक महिला को जानता है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक कत्ल करने वाले युवक की पहचान भी हो चुकी है। सुखदीप सिंह और देसा नामक युवकों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है। मर्डर हुआ है, सो ये जड़ी बलजीत कौर आए थी, जड़ा मैरिज हुई थी, इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह का जड़ा सीआरपीएफ दे विच तैनात है चंडीगढ़ दे विच। सो ये जदों इहदे च सीआईए एंड जड़ी पुलिस स्टेशन है, इन्होंने मिलकर इन्वेस्टिगेशन की इहदे विच। सो ज़्यादा जड़ा है वो सीआईए अंडर द सुपरविजन ऑफ साडे डीसीपी डी जड़े इन्हां दे अंडर इन्होंने की इन्वेस्टिगेशन। जिहड़ी मेन गल सामने आई है कि जड़ा इंस्पैक्टर गुरविंदर सिंह आ यही मेन दोषी पाया गया जी ये और यदा गुरविंदर सिंह का एक वीरपाल कौर नाम की लेडी है जलंधर की, वो इलिसिट रिलेशन सीगे। इन्होंने कट्ठे इन क्राइमेंस के भी किस तरीके इन्हू मारिया जाए। इन्होंने अगे एक गुरविंदर सिंह बाबा हैगा डब वाली का, वो इन्होंने कॉन्सपीरेसी की, वो बाबे इन्होंने 5 लाख रुपया सुपारी देनी की सी इस मर्डर के वास्ते। दिल्ली चंडीगढ़ के बाद अब लुधियाना ट्रैफिक पुलिस की ओर से ई चलान की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि ई चलान शहर के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए कैमरों के जरिए ट्रैफिक का उल्लंघन करने वाले आदमी के घर पर भेजे जाएंगे। साथ ही शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों का सारा कंट्रोल पुलिस लाइन स्थित ट्रैफिक दफ्तर में होगा, जहां सीसीटीवी कैमरों की मदद के साथ उल्लंघन करने वाले वोकल के नंबर को ट्रेस कर उसके घर में यह चलान भेजा जाएगा। इसका उद्घाटन लुधियाना के पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल द्वारा किया गया। ई चलानिंग ट्रैफिक वायलेटर्स लई लुधियाने दे विच शुरू कीती है, जिहदे विच साडे कोल तकरीबन 800 दे करीब कैमरे पूरे लुधियाने दे विच सेफ सिटी प्रोजैक्ट दे तहत लगे हुए सन। उन्हां दे विच जिहड़े कैमरियां दे विच ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन वाली फैसिलिटी सी, उन्हां चौंकां ते असी ऑटोमैटिक ट्रैफिक वायलेटर्स दे खिलाफ चलानिंग दी प्रक्रिया शुरू कीती है। इहदे लई असी एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बनवाया है, जो ऑटोमैटिकली जिहड़े भी वायलेटर्स ट्रैफिक दी वायलेशन गड्डियां करनगियां उन्हां दे ऑटोमैटिकली उन्हां दी फोटो खिंच के एंड उन्हां दा चलान प्रिंट होके स्पीड पोस्ट राहीं उन्हां दे घर तक पहुँच जाऊगा। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित तहसील स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगाई गई, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान वातावरण शिक्षा के साथ साथ गणित संबंधी प्रदर्शनियां लगाई गई, जिसमें शिक्षा विभाग की स्पेशल टीम द्वारा बढ़िया प्रस्तुति करने वाले छात्रों को चुना गया। इस कार्यक्रम में विधायक हर प्रताप सिंह अजनाला व उनके बेटे कंवर प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे। मैं समझता बहुत बड़ा उपराला है स्कूल अजनाले वाले ने शुरुआत की थी प्रिंसिपल साहब ने, और एक कंपटीशन हो रहा मैथ्स का फिजिक्स का तो जोड़ा एनवायरमेंट है और वो एम्फसाइज कर रहे ने वाटर टेंशन या वाटर जोड़ा आ एक्सैस है उन्होंने किदा यूटिलाइज करना है इरीगेशन परपसिज लिए होर कमा ली। मैं समझा भी बच्चों ने मैं देखा मैं इंटरव्यू की उन्होंने एक बड़ी चंकी सोच रख रहे ने बच्चे और उन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश की है बाकी जड़े ना समझने या जिन्हों पता नहीं सिस्टम का उन्होंने समझाने की वो कोशिश कर रहे ने विद प्रैक्टिकल करके उन्होंने डायग्राम्स बनाए ने प्रैक्टिकल काम किया
ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ। बीते दिन श्री हरिमंदिर साहिब से अगवा किया गया आदित्य नाम का बच्चा पुलिस ने फरीदाबाद से बरामद कर लिया है। बच्चे को अगवा करने वाले दो दोषी आशा कुमारी और सुखविंदर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीते दिन एक औरत अपने तीन बच्चों के साथ श्री हरिमंदिर साहिब माथा टेकने गई थी और आशा और सुखविंदर नाम जो दोनों दोषी थे उनके द्वारा आदित्य नाम के बच्चे को पेशाब कराने के बहाने वहां से अपने साथ ले गए और उसे लेकर फरीदाबाद चले गए थे। बच्चे को साथ लेकर जाने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पुलिस कमिश्नर सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन को काफी बारीकी से जांच किया और तब जाकर दोषियों को पकड़ा। 11 तरीक नूं तुहानूं मेरे ख्याल सारा बाकी तो पता ही है कि वो तीन बच्चे सीगे लेडी दे जिहड़े कि उत्थे गोल्डन टैंपल दे विच तीन बच्चे गए सी उन्हां नूं एक कोई अननोन बंदा ते एक लेडी लै गए सीगे बाथरूम दे बहाने। उस तो बाद दो बच्चे वापस आ गए जिहड़ा आदित्य नाम का बच्चा सीगा जिहड़ा ये उत्थों मिसिंग हो गया। सो प्रिलिमिनरी तौर पर इन्ना ही सीगा कि बच्चा मिस हो गया पता नहीं लग रहा कि किसी अनपछाते बंदे ने अगवा कर लिया बच्चे नूं। उस तो बाद मैं बड़ी प्रेस करना चाहूँगा पूरी समुची टीम की इन्हों की ADCP 1 की ACP सेंट्रल और इन्हों SHO ई डिवीज़न की कि इन्होंने बहुत एफर्ट किया क्योंकि जिदा मैं लास्ट टाइम भी कहा कि सब तो व्डा जोड़ा लॉस हों जो सब तो सेंसेशनल हों किसी का बच्चा किडनैप हो जाना और वो बच्चा ना मिलना किसी स्टेज के उत्ते। सो इन्होंने बहुत एफर्ट करके अल्टीमेटली CCTV फुटेज गोल्डन टैंपल तो लैके सारे रस्त्या की हर जगह की CCTV फुटेज बड़ी डिटेल दे विच खंगाली उदे तो बाद दे विच उस फुटेज तो सानू एक जिहड़ी आशा पुत्री रजिंदर ये फरीदाबाद हुण प्रेजेंटली फरीदाबाद रहिंदी है पर पिछों बटाले की रहने वाली है इनू आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करके फिर यदि लोकेशन ट्रेस की यदि लोकेशन फरीदाबाद की सीगी जिहड़ी हुण गल सामने आई है कि एक सुखविंदर कुमार उर्फ जिहड़ा वा लाला सीगा और ये जिहड़े फुटेज आपां नूं आ रहे हैं जिहड़ी काफ़ी न्यूज़पेपर दे विच भी फोटो लगी हुई है प्लस वीडियो भी सर्कुलेट हुई है ये दोनों ने बच्चे नूं किडनैप करके इत्थों फरीदाबाद लै गए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABC स्टार न्यूज़। नमस्कार।